दोस्तों आज पहली बार मेरी वाइफ चिकन बनाने जा रही है, तो देखते हैं कैसे बनाती है चिकन। मैं हर चीज़ आपको दिखाऊंगा कि चिकन में क्या क्या डाल रही है, कैसे बना रही है, और देखते हैं दोस्तों आगे। और देख सकते हैं मेरी वाइफ आलू काट के रेडी कर लिया है। इधर प्याज टमाटर द मसाला। कैसे बनाने वाले हो चिकन आज बोलो? देखते हैं। देख सकते हैं मेरे वाइफ बोल रही, देखते हैं कैसे बनाते हैं चिकन। तो दोस्तों बने रहे आगे, हम आपको हर चीज़ डिटेल में बताएंगे। आलू डाल दिए हैं दोस्तों, आलू फ्राई हो रहा है अभी। मांस मसाले बना। हाँ, उसमें भाई बोल रहे हैं कि चिकन को थोड़ा सा छाटना है, क्योंकि अभी बाज़ार से लाए हैं तो उसको अब तक धोए नहीं है, तो उसको थोड़ा धोना पड़ेगा अभी। अंत मामा आई थी कौन? और जब पास में वो दोस्तों आलू तलना हो चुका है, अभी हम लोग चिकन बनाना चालू करने वाले हैं। एक तो तेल हुई जिनको। हाँ जीरा मर्ज नमक ना पर टोक हुई जाती है। किधर चाहिए? लहसुन और अदरक का पेस्ट। दोस्तों अभी देख पा रहे होंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट डाला जा रहा है। पहली बार बना रही है दोस्तों चिकन, देखते हैं कैसे बनाती है। दोस्तों चिकन को साफ कर रहे हैं क्योंकि मार्केट से लाए हैं, चिकन में कुछ है कि नहीं? कुछ नहीं है बोल रही मेरे भाई, अच्छे से साफ किया हुआ है चिकन। हो जाए दोस्तों, अभी मसाले का पेस्ट बन रहा है यहाँ पे, हल्दी मिर्च और जीरा पाउडर। देखते हैं कैसे बनाती है, कितना कितना क्वांटिटी में डाल रही है। मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ इसे, ये खुद अपने हिसाब से बना रही है चिकन। मसाला पूरा अच्छे से भुनना है दोस्तों, क्योंकि चिकन है दोस्तों थोड़ा नरम रहता है, तो इसके लिए क्या दोस्तों मसाले को बहुत टाइम तक भुनना पड़ता है। तो जब तक मसाले को अच्छे से नहीं भुनेंगे तब तक आपका चिकन अच्छे से नहीं पक पाएगा, ये हम आप लोग याद रखना है हमेशा। अब क्या डालने वाले हो उसमें? टमाटर को डालना है। टमाटर गाड़ी
ওখানে কি কি খাইছে दोस्तों। मेरे भाई मेरे से पूछ रही है कि मसाला भुनना हुआ कि नहीं, मैं इसको कुछ नहीं बता रही हूँ, ये अपने हिसाब से मैं बोल रहा हूँ बनाओ कैसे बनाना है आप बनाओ, मैं कुछ नहीं बताने वाला आज। हुआ है मसाला भुनना? हो गया दोस्तों, मेरे बीवी बोल रही है मसाला भुनना हो चुका है। काटते तो भीतर है जाओ दोस्तों। चिकन है उसको ज़्यादा नहीं धोना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा दो बार, उससे ज़्यादा चिकन को कभी भी मत धोना, क्योंकि चिकन को जितना धोओगे उसका स्वाद उतना ही बिगड़ जाएगा। पहली बार मेरे भाई चिकन बना रही है और चिकन बनाते बनाते अपना हाथ भी जला ली है। पुंजा जल से ही उंगली के पास जल गया बोल रही है, नमक लगा रही है अभी। फिर भी बोल रही है कि मैं चिकन आज बनाऊंगी करके, यहाँ से उठने नहीं वाली जब तक चिकन नहीं बनेगा, हाथ जल जाए कुछ भी हो जाए चिकन आज बनाना है, मतलब बनाना है। दोस्तों कोलगेट लाए हैं, कोलगेट लगाना है जहाँ पे जला है, नमक लगाए थे काम नहीं कर रहा है तो भी सोच रहे थोड़ा कोलगेट लगाया जाए इसमें। दोस्तों कोलगेट लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे नमक लगाए थे तो नमक काम नहीं कर रहा, इसलिए हम कोलगेट लगा रहे हैं। कोलगेट दोस्तों अच्छा काम करता है। देख पा रहे दोस्तों चिकन बना नहीं पा रही है अच्छे से, फिर भी बोल रही है मैं बनाऊंगी करके। देखिए ये अच्छे से मिक्स नहीं कर पा रही है चिकन को हाथ में लगाया करके। दाल बनाई थी? देखिए दोस्तों मैं बोल रहा हूँ कि मैं बना देता हूँ, उसको बोलती है कि नहीं मैं मुझे ही बनाना है करके। कहाँ तक पहुँचोगे, बन गया क्या? नहीं बाकी है अभी। दोस्तों मुझे भूख लग गया है, चिकन खाना है, लेकिन मेरे भाई बोल रहे कि अभी टाइम है बनने में। क्या पता टाइम टाइम करके कैसा बना रही है चिकन, इधर मेरा भूख के मारे पेट में चूहा दौड़ रहा है। दुकान में इतना सब कुछ खाया हो? कुछ ही नहीं खाया बाबा दुकान में। आलू को डालेंगे, जो ना बन गया तो एक आध भी टेस्ट करवाओ। टाइम है मेरे। कितना टाइम रुको ना, थोड़ा सा टाइम है। सवरखल फल मीठा होता है ना? हाँ बाबा सवरखल मीठा है मुझे पता है, लेकिन मुझे भूख तो लग रहा है। लगने दो। दोस्तों आखिर चिकन आधा वक्त से ज़्यादा पक चुका है, तो हम इसको अभी टेस्ट करने वाले हैं कि अपना चिकन कैसा। कम मत करो भाई, उतना तो खाने दो भाई। खा भाई तो कम करे, मैं बस चिकन खाने वाला आदमी, पेट भर के चिकन खाता हूँ मैं। कैसा बनाए? खाने तो दो। मस्त बना दोस्तों, नमक मिर्ची हर चीज परफेक्ट है। मस्त कलर आया दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन टेस्ट है दोस्तों। दोस्तों इसमें पानी डाल रहे हैं, अपना चिकन भुनना हो चुका है, मैं निकाला था, टेस्ट भी किया हूँ, बहुत बेहतरीन टेस्ट हुआ है चिकन का। पानी डाल रहे हैं इसमें, थोड़ा ज़्यादा डालो पानी क्योंकि रोटी के साथ खाना है, थोड़ा पानी ज़्यादा डालो, बस हो जाएगा। नहीं ठीक है ना, तो लगेगा। पीस रहे हो इसमें गरम मसाला? गरम मसाला दोस्तों, अभी गरम मसाला पीस रही है।
दोस्तों चीटी आ रही है, देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा चीटी है। टाइम अच्छा है? नहीं जल्दी ना, नहीं टाइम अच्छा है। दोस्तों भी गरम मसाला डाल रहे हैं, दोस्तों अपना चिकन पूरा पक चुका है भी। अभी हम चिकन को उतार देंगे, फिर हम लोग बनाएंगे रोटी और फिर हम खाएंगे रोटी के साथ चिकन। मजा आ जाएगा आज ना। दोस्तों हम चिकन उतार लिए हैं, अब कलर देख सकते हैं बेहतरीन कलर आया और खाने में भी मस्त टेस्टी बना है। बाकी रोटी के साथ खाएंगे फिर बताएंगे आपको। और कुछ बताओ, आपका चिकन कंप्लीट हो चुका है बनना? हाँ। और हम लोग अभी रोटी बनाने वाले हैं। रोटी बन रहा है यहाँ पे। अभी दोस्तों भूख के मारे पेट के अंदर चूहा ऐसे दौड़ रहा है और इधर अभी भी टाइम है, बोल रहे हैं बनने में थोड़ा सा, और भूख लगा है बाबा, दोपहर से कुछ नहीं खाया अभी तक। तुम कुछ नहीं, ऐसा बोल ही नहीं सकता। देख सकते हो, वाह लाजवाब कलर। दोस्तों टेस्ट करते और बताते आपको कैसा बना है चिकन अपना रोटी के साथ खाने में। आज तो मैं दोस्तों 5 रोटी खाने वाला हूँ, 5 रोटी खाऊंगा आज मैं, बहुत ज़्यादा भूख लगा है। चिकन भी मस्त बना है, 5 रोटी खाऊंगा आज मैं तो घर में पहले ही बता दिया हूँ मैं रोटी ज़्यादा खाने वाला हूँ, भूख लगा है, दोपहर से कुछ नहीं खाया हूँ। मस्त टेस्टी बना है चिकन, 5 रोटी बोला था दोस्तों, 6 रोटी खाया हूँ। और देखते हैं दोस्तों बाकी लोग घर का खाएंगे और बताएंगे कैसा लगा है चिकन। मुझे तो बहुत बेहतरीन लगा चिकन, इसलिए मैं 1 रोटी एक्स्ट्रा ही खाया हूँ। और दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। और दोस्तों ऐसी वीडियो मैं और आपके सामने लाऊंगा, और जैसे अभी चिकन बना है मैं आपके सामने और भी सब्जी जैसे वेजिटेबल हो गया, वो भी बहुत सारे रेसिपी मैं आपके सामने लाऊंगा। तो मैं अपने वाइफ को बुला लेता हूँ कि आप कुछ बता दीजिए अपने दर्शक लोगों को। वाइफ ये बोल रही है कि मैं भी कुछ ही नहीं बोल पाऊंगी करके। तो दोस्तों प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, और दोस्तों मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए मेरे अगले वीडियो के लिए। बाय दोस्तों, टाटा।